चीन को एलएसी पर जवाब देने के लिए भारत ने नई तैयारी शुरू कर दी है। भारत ने जोरावर प्रोजेक्ट के तहत एलएसी पर अब हल्के वजन के टैंकों को तैनात कर दिया है। इस प्रोजेक्ट के तहत स्वदेशी लाइट टैंक लेने की तैयारी है। खास बात यह है कि लाइट टैंक के प्रोजेक्ट का नाम जम्मू कश्मीर रियासत के पूर्व कमांडर जोरावर सिंह के नाम पर रखा गया है। जोरावर सिंह ने 19वीं सदी में चीनी सेना को हराकर तिब्बत में अपना परचम लहराया था। ऊंचे ऊंचे पहाड़, ऊबड़ खाबड़ पथरीला रास्ता, खाई दर्रों से गुजरती सड़कें, एलएसी तक भारी भरकम टैंकों को पहुंचाना भारतीय सेना के लिए एक बड़ी चुनौती है। भारतीय टैंकों का वजन 40 से 70 टन तक है। अब तक बड़ी मशक्कत से इन टैंकों को एलएसी तक पहुंचाया गया है। लेकिन अभी इन्हें बार बार मूव करना बेहद मुश्किल होता है। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यही वजह है कि अब भारतीय सेना जल्द ही रक्षा मंत्रालय से लाइट टैंक लेने की मंजूरी लेने वाली है। इसी मिशन को जोरावर प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। एलएसी के लिए हल्के टैंकों को बनाने का काम मेक इन इंडिया के तहत होगा। सेना के पास इस वक्त T-72 और T-90 जैसे शक्तिशाली टैंक हैं। ये भारी भरकम टैंक मैदानी और रेगिस्तानी इलाके में तेजी से मूव कर सकते हैं, लेकिन पहाड़ के सकरे रास्तों पर इन्हें चलाना बेहद मुश्किल है। सेना की जरूरत के मुताबिक जोरावर के तहत लाइट टैंक बनाए जाएंगे, जिनका वजन 25 टन के करीब होगा। लेकिन फायरिंग रेंज और पावर से समझौता नहीं किया जाएगा। भारत में जो टैंक बनाए जाएंगे वो हैवी फायरिंग में सक्षम होंगे, लेकिन उनका वजन दूसरे टैंकों के मुकाबले आधा होगा। हल्के टैंकों को चिनूक हेलीकॉप्टर से भी एलएसी तक पहुंचाना आसान हो जाएगा। C-17 ग्लोब मास्टर से भी एक साथ कई टैंक एलएसी तक पहुंचाए जा सकते हैं। चीन ने पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी पर पहले से ही लाइट टैंक तैनात कर रखे हैं। भारतीय सेना ने भी T-72 टैंक यहां तैनात किए हैं, लेकिन इन्हें एक जगह से दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट करने में सेना को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उम्मीद है कि लाइट वेट टैंक आने से एलएसी पर कहीं भी चीन की सेना को जवाब दिया जा सकेगा। जोरावर सिंह जम्मू कश्मीर रियासत के कमांडर थे। 1841 में तिब्बत में घुसकर चीनी सेना को हराया था। जोरावर सिंह सैनिकों के साथ कैलाश मानसरोवर गए थे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री केविन रड ने कहा है कि चीन एलएसी पर जिस तरह की हरकतें कर रहा है वो निश्चित तौर पर उकसाने वाला है। भारतीय सेना अरुणाचल में भी एलएसी पर निगरानी को और सख्त करने की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती है। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।